सर्वे नंबर 30 जो है कटकर गेट का जो मसला चल रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, हते सिंह पुरे के अंदर 22 एकड़ 21 घंटे का ये इश्यू है। 22 एकड़ 21 घंटा ये जमीन 30/1, 30/2, 30/3, 4, 5, 6, 7 ऐसे इसके बटे गिरे हुए। और सबसे इसकी अहम और खास बात यह है कि ये प्रॉपर्टी अजीमुद्दीन साहब और उसी तरह अहमदुद्दीन साहब, ये हैदराबाद के नवाब थे, इन साहब की जमीन थी आजादी से पहले। लेकिन मुल्क को, भारतवर्ष को आजाद होने के बाद, क्योंकि ये प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट और ये प्रॉपर्टी की पूरी रखनदारी, इसकी पूरी देखरेख अब्दुल सत्तार साहब करते थे, इसीलिए केंद्रीय शासन ने 1950 के अंदर जब कुल कायदा बनाया, तो कुल कायदा बनाने के बाद मालक जो थे, जो अजीमुद्दीन साहब, अमीरुद्दीन साहब, जो भी जो दो जनाब हैदराबाद से अहमदुद्दीन साहब, इनके नाम को क्लोज करके, खास बात को समझिए, इनके नाम को केंद्र शासन ने बंद करके जो कुल धारक थे, यानी कि जो पट्टे पे काम करते थे, जो रखनदारी जो प्रोटेक्ट करते थे प्रॉपर्टी को, उनके नाम माल के हक में चढ़ाए गए। ये कब की बात कर रहा हूं मैं, 1950 की। तो जब 1950 के अंदर 22 एकड़ 21 घंटे के ऊपर अब्दुल सत्तार का साहब का नाम ऑलरेडी आ चुका है, और जब अब्दुल सत्तार साहब का नाम आ चुका है, तो इसका साफ मतलब यह है कि जो भी प्रॉपर्टी ओनर थे वो तब भारतवर्ष के अंदर ही थे, वो मुल्क के अंदर ही थे और मुल्क के अंदर ही खयाम पजीर थे, यही रह रहे थे। उसके बाद 1971 में अब्दुल सत्तार साहब ने, ये जो दो साहब जो मालक थे, इसमें से 11 एकड़ 22 घंटे का सिल्डिट रजिस्ट्री करके लिया हुआ है। ये बात तो प्रूफ होती है, रजिस्ट्री कौन करके देगा, जो हयात है, जो जिंदा है, जो मौजूद है। तो मालक ने 1971 में 11 एकड़ के ऊपर कुछ घंटे की रजिस्ट्री करके दिया। इसका साफ मतलब है कि ना तो ये फरार हुए, ना तो ये देश छोड़ के गए, और ना ही ये कहे गए। लेकिन चूंकि 1971 के बाद अचानक शासन को और प्रशासन को ख्याल आता है, अरे ये दो लोग, ये अजीमुद्दीन साहब और अहमदुद्दीन साहब, ये कहीं दिखाई नहीं दे रहे, शायद ये मुल्क छोड़ के चले गए, इनको भी डाउट है, इनके रिकॉर्ड के अंदर ऐसा था कि डाउट, ये यहाँ है या बाहर चले गए हमको मालूम नहीं है। तब से इसको डिस्प्यूट करने की कोशिश की गई, इस प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश की गई 30/1 से लेकर 30/7 तक। लेकिन इसके अंदर जैसे बार बार, जब भी जो, तो शासन के, प्रशासन की तरफ से, मौसम डिपार्टमेंट की तरफ से क्रॉसपॉन्डेंस अब्दुल सत्तार साहब को होते रहे, इन्होंने कोर्ट के अंदर, हेयरिंग के अंदर सारी चीजें कराई। लेकिन अब 6/2/2023 को एक शाही फरमान जारी होता है, जिसका जवाब करवाएंगे 30 और 31, ये उप विभागीय आयुक्त की तरफ से नगर भूमापन अधिकारी को आता है कि सर्वे नंबर 30/1 से लेकर 7 तक जितने भी प्यार काट के फेरे सबको बंद कर दिया जाए। तो भाई क्या खाप पड़ गया आपको, क्या कोई भयानक सपना देख लिया आपने, हो गया क्या आपको कि मालक यहाँ पर मौजूद है? और देखिए, ये सरकारी काम है, सरकारी प्रणाली का काम है, लोगों के माल मत्ते के अंदर म्यूटेशन हो चुका है, लोगों ने गाड़ी कमाई से अपनी प्रॉपर्टी कमाकर अपने नाम उस पर लगाए रजिस्टर करके, और इन सारी चीजों के नाम बंद करने का ये जनाब को किसने अधिकार दे दिया? मैं तो कहूंगा ये फरमान जारी करके उन्होंने ये 22 एकड़ के अंदर बसने वाले लोगों के ऊपर एक दहशत तारी कर दी, इसी को ही टेररिज्म, सरकारी टेररिज्म कहा जाता है। तो मैं तो खास तौर से कहूंगा कि इनके ये पत्र को इतने, और मैं तो कहूंगा कि कौन सी हेयरिंग आपने ली, जब 1950 से लेकर आज की डेट तक अब्दुल सत्तार साहब, अब्दुल शुकुर साहब, इनके वारिसदारों के पूरे नाम आ रहे हैं, आपके मौसूल के, रेवेन्यू के सारे डिपार्टमेंट के अंदर आ रहे हैं, आपने लेआउट करके दिया है यहाँ पर, जब आपके पास में हर चीज मौजूद है, तो कम से कम एक नोटिस तो आप उनको देंगे, आप एक हेयरिंग तो उनसे लेंगे कि आपको अगर किसी की प्रॉपर्टी चाहिए या आपके आपको कोई नया सपना ख्वाब आ गया, तो ख्वाब की तारीफ कैसी होती है हम बताएंगे ना आपको। देखिए, ये सिर्फ लोगों के अंदर एक जो तो दहशत पैदा करने वाला फरमान है, जिससे लोगों को यहाँ पर बिल्कुल खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। क्यों तो सुप्रीम कोर्ट के सजेशन पूरा उठा के इन्होंने पढ़ लेना चाहिए, मौसूल के जितने अमेंडमेंट है इनको पूरा उठा के इन्होंने पढ़ लेना चाहिए, और उसके बाद में कोई फरमान जारी करना चाहिए। क्यों तो नौकरशाह अगर तानाशाह बन जाते हैं ना, तो ऐसे फरमान निकलना चालू हो जाते। खासरा पत्रक के अंदर अब्दुल सत्तार का नाम है, पहानी पत्रक के अंदर अब्दुल सत्तार साहब का नाम है, पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर इनके वारिसदारों के नाम पूरे चले आ रहे हैं, और ये जनाब कहां से उठ के आए, अगर एक फरमान जारी करके पूरा के नाम बंद कर दे रहे, तो ये सीधी सीधी मैं कहूंगा सरकारी दहशतगर्दी है।
तो इस इशू के ऊपर कुछ लोग हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब के पास भी आए थे। इसमें कोई शक नहीं कि ये लोगों को हिरासत करने वाला, लोगों को परेशान करने वाला फरमान था ये, तो लोग इंसाफ की दुआएं लेने के लिए खासदार इम्तियाज जलील साहब के पास आए। इम्तियाज जलील साहब ने नासिर सिद्दीकी साहब के हमारे जितने एमआईएम टीम है इनको बुला के इनके सामने पूरी बात रखी कि जाओ प्राइम एफएसएस के अंदर जाके पहले पूरी मालूमत लो, दर हकीकत क्या है 22 से 21 घंटे की, क्यों और ये कौन सा फरमान जारी हुआ, किसने फरमान जारी किया, ये पूरा डाटा कलेक्ट करके अभी हमको खासदार इम्तियाज जलील साहब के पास देना है। और खासदार इम्तियाज जलील साहब ने साफ लफ्जों में कहा है कि जहां रिकॉर्ड मौजूद है मौसूल का पूरा, जहां पर रजिस्ट्रिया हुई है, पोजीशन 1950 से चला आ रहा है, इसके अंदर ऐसा सरकारी फरमान जारी करना सरासर गलत बात है। मैं यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करूंगा और अगर इन्होंने लोगों के मालकाना हक अगर बहाल नहीं किए तो मैं इस इशू को पार्लियामेंट के अंदर उठाऊंगा और लोगों को राहत और इंसाफ दिलाने का काम करूंगा। इसके हते सिंह पुरा और अतराफ के जितने लोग ये 22 एकड़ का जो गढ़ है 22 एकड़ 21 घंटे का ये सर्वे नंबर 30 का, इनको बिल्कुल किसी किस्म के खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। क्यों तो इस मुल्क के अंदर ये ऐसे तानाशाहों के फरमान नहीं चलते, यहाँ पर चलेगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, और संविधान से बाहर ये जनाब जो गए हैं तो इनकी भी बिल्कुल हम कार्यान्वयन कार्रवाई निकालने की पूरी मांग करेंगे और हम महाराष्ट्र शासन से पूरी डिमांड करेंगे कि लोगों को हिरासा करने वाला, लोगों में दहशत तारी करने वाला, लोगों को परेशान करने वाला जो फरमान इन्होंने निकाला इनकी चौकसी करके इनके ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए। देखिए 2-3 दिन से मैं समझता हूँ कटकट गेट जो है तो औरंगाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है और सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर ये आया है कि कटकट गेट के अंदर हत्ती सिंह पूरा इलाके के अंदर जो 22 एकड़ के ज्यादा जो जगह है तो वो वहाँ के पीआर कार्ड जो है तो डायरेक्टली जो है तो यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से बंद कर दिए गए। तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से यहाँ के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप लोग जरा भी परेशान ना हो। आप लोग आज जो परेशानी झेल रहे हैं इसके अंदर सबसे आगे जो है तो अगर हम जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम है, शहर के दीगर मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है, कई दूसरी संगठनों के लोग भी आ रहे हैं, हम तमाम ही आप लोगों के साथ में, अगर वक्त आया रोड पे उतरने की बारी आई तो आप इंशाल्लाह ताला सबसे आगे किसी को देखेंगे तो हम लोगों को देखेंगे। आपके घर की ईंट भी इंशाल्लाह ताला हम उसको धक्का नहीं लगने देंगे। रही दूसरी बात, ये जो सरकारी गुंडागर्दी है, जैसा इन्होंने बीच में CAA NRC लागू करने के लिए मैं समझता हूँ कि डिक्लेयर किए थे, तो क्या ये उसी का हिस्सा है कि यहाँ से लोगों को उठाए और डिटेंशन कैंप के अंदर लेकर जाया जाए? तो ये अगर ये सरकार समझ रही होगी कि अगर ये दादागिरी करना चाहती है तो यहाँ पर मैं बता दूंगा कि ये औरंगाबाद है और यहाँ की आवाम बहुत जागरूक है और हम लोग जो है तो इन लोगों के साथ खड़े हैं। मैं समझना चाहता हूँ कि सरकार लोगों को ठगना चाहती है या लोगों को बसाना चाहती है। एक तरफ प्रधानमंत्री जो है तो हजारों लाखों घर बना के लोगों को बसाने की बात कर रहे हैं और यहाँ बसे हुए घर लोगों को उजाड़ने की बात यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ के अधिकारियों को होश में आना चाहिए। मैं आपके माध्यम से पुलिस कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करूंगा कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ के अधिकारियों को आप बुलाएं और उनसे ये पूछे, ये सवाल करें कि आपने जो पीआर कार्ड इनके बंद किए, जो लोगों ने जिंदगी भर की अपनी गाड़ी पसीने की कमाई से घर बनाए हैं तो इन्होंने खरीद कर बनाए, इसकी रजिस्ट्री यही ऑफिस से बनी, इसका पीआर कार्ड इसी ऑफिस से बनाए, हजारों लाखों और करोड़ों रुपए जो है तो इसी गवर्नमेंट ने इनसे रेवेन्यू की शक्ल में जो लिया है और आज उनके घरों की उजाड़ने की बात करते हैं, ये कभी होने वाला नहीं है। यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने अधिकारी है उन्होंने होश के नाखून लेना चाहिए। अगर आपको ऑफिस में चैन से बैठना है तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपने जितने लोग हैं उनको नोटिस देना चाहिए था, आपने ऑफिशियल कार्रवाई के तहत उनको नोटिस देकर बुलाना चाहिए था, उनकी हियरिंग रखना चाहिए था। आज कलेक्टर के ऑर्डर हमारे पास मौजूद है, आज दूसरे जो सर्वे हुए उसके ऑर्डर मौजूद है, आज हमारे पास पीआर कार्ड में नाम मौजूद है, वहां पे NA-44 की बस्ती बसी हुई है जिसके ऊपर लोन होते हैं, तो ये ऐसी बस्तियां क्या इलीगल होती है? अगर आप ये बता रहे हैं कि ये शत्रु की जगह है, ये एनिमीज प्रॉपर्टी है, तो फिर आप किसके जगह पे बैठे हैं? गवर्नमेंट के ऑफिस किसकी जगह पर है ये भी बताइए आप लोग, ये किसकी जगहों के ऊपर आप बैठे हैं?
अगर मुसलमानों से अगर आपको तासुब बरतना है तो आप खुलेआम कहिए, या फिर आपने अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कानून से हटकर अगर कोई और कानून बताया है बनाया है तो आप उसको हमारे सामने लाइए, क्योंकि हमको तो ये मालूम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून के अंदर कहीं ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि आज ये लोगों का पीआर कार्ड बंद किया जाए, आज इनको बेघर करने की बात की जाए। तो मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि हमारी कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं हम लोग, और साथ ही साथ हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो, चाहे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो या जो भी हमारे साथ में आना चाहता है, या हम उनके साथ में जाएंगे, लेकिन लोगों के घरों के प्रोटेक्शन के लिए हम जरूर बजरूर रोडों पे उतरेंगे, और किसी हद तक जाना पड़े तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि चाहे कुछ हो जाए हम इनके रोड लोगों के घर बचाने के लिए रोड पर उतरेंगे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।